ओके तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि सैचुरेटेड में क्या सिंगल बॉन्ड होता था और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड था। ओके तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी बात किसकी हो रही है, इथेन की हो रही है। तो इथेन इथेन जो हमने कल देखा था वो किस में आता था, इथेन इथेन मीन्स एन, एन मीन्स अल्केन में आता था, इथेन मीन्स कार्बन टू। तो यहाँ पे एन की जगह पे टू रखो तो क्या आएगा, सी टू एच सिक्स क्या आ जाएगा। यहाँ पे एन की जगह पे टू रख के चेक करना, तो एन की जगह पे टू रखोगे ना तो सी टू एच सिक्स आएगा, क्या आएगा, सी टू एच सिक्स। तो ये हो गया आपका इथेन। तो इथेन मीन्स सी टू एच सिक्स। तो अब सी टू एच सिक्स में बॉन्डिंग कैसे दिखाना है आपको, तो सी टू एच सिक्स देखो ये सी टू एच सिक्स हो गया। तो अगर आपको सिंगल बॉन्डिंग में दिखाना है तो सी एच थ्री एक यहाँ पे सी एच थ्री लेफ्ट साइड पे ले लो, यहाँ पे सी एच थ्री राइट साइड पे ले लो। तो देखो सी टू एच सिक्स इथेन मीन्स क्या हो गया, सी टू एच सिक्स। तो ये इसको हम सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये सी एच थ्री में जो एच थ्री है ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बॉन्ड के साथ में एच यहाँ पे, बॉन्ड के साथ में एच यहाँ पे और बॉन्ड के साथ में एच यहाँ पे, तो ये बॉन्ड हो गया। सी सी के बीच में तो बॉन्ड था ही था तो सी सी के बीच में बॉन्ड दिखा दिया। अभी एच थ्री है तो एक बॉन्ड से एच यहाँ पे, एक बॉन्ड से एक एच यहाँ पे और दूसरे बॉन्ड से एच यहाँ पे, तो सी एच थ्री लेफ्ट में भी हो गया और सी एच थ्री राइट में भी हो गया। ओके तो ये सी टू एच सिक्स, तो ये क्या हो गया, वन साइड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कार्बन। तो बिटवीन टू कार्बन ये दोनों पेयर आपको दिखाई हुई है। तो सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी इलेक्ट्रॉन को बारे में लिखना है आपको, तो हमको पता है कि सी सी में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं तो कैसे दिखाना है, सी सी के बीच में बॉन्ड है तो सी सी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, सी और एच के बीच में भी बॉन्ड है तो सी और एच के बीच में भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, सी और एच के बीच में यहाँ पे भी बॉन्ड है तो सी और एच के बीच में यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, सी और एच के बीच में यहाँ पे भी बॉन्ड है तो सी और एच के बीच में यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, सी और एच के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, सी और एच के बीच में यहाँ पे भी बॉन्ड है तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, और सी और एच मीन्स जहाँ जहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, जहाँ जहाँ पे बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से ही तो क्या बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ओके हाउ इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ द इथेन। तो इन द स्टेप वन क्या करना है, हमको कार्बन एटम एक दूसरे के पास में लिंक कर देना है और सिंगल बॉन्ड से दिखाना है। एग्जाम्पल क्या है, सी बॉन्ड सी। स्टेप टू में क्या है कि रिमेनिंग जो वैलेंसी है उसको कैसे दिखाना है, सेटिस्फाइड करके हाइड्रोकार्बन को ऐसे दिखाना है। फिर थ्री वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड, सो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू अदर थ्री हाइड्रोकार्बन एटम्स गिविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो देखो दिखाया हुआ है सी और सी, एच 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 अगल बगल में दिखाया हुआ है। तो पहले क्या करो, सी और सी के बीच में बॉन्ड दिखा दो, तो सी और सी के बीच में बॉन्ड दिखा दिया। फिर ये जो सी है ना, सी में टोटल चार वैलेंसी होनी चाहिए, ये सी सी का एक बॉन्ड तो हो गया तो अभी वैलेंसी कितनी बची, तीन। तो ये बाकी की जो तीन बची ना वो वहाँ पे तीन आपको हाइड्रोजन दिखा देना है। वैसे ही इथिन का देखो, तो इथिन में क्या किया है, इथिन इथिन मीन्स क्या हो गया आपका, ये इथिन अल्किन, अल्किन में पहला सी टू एच फोर, तो सी टू एच फोर में यहाँ पे सी एच टू सी एच टू दिखा देना है। तो सी बॉन्ड सी यहाँ पे दिखा दिया एच टू, तो एक एच ऊपर एक एच नीचे, यहाँ पे भी एक एच ऊपर एक एच नीचे, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, क्योंकि इन इनमें तो हमने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सब में डबल बॉन्ड होता है। वैसे ही स्ट्रक्चर इथाइन का भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो इथाइन इथाइन में क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड, और पहले में क्या था, सी टू एच टू, तो सी टू एच टू तो हाफ करेंगे तो सी एच सी एच आ जाएगा, तो सी एच सी एच दिखाया, देखो सी एच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, सी एच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा, जब छः इलेक्ट्रॉन पैर बनाएंगे तब, और ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, वैसे ही यहाँ पे सी और एच दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, तो ये इन दोनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपका आ जाएगा। तो ऐसे करके इथिन, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, ये इथिन का है और ये इथाइन का। तो ये अल्केन अल्किन अल्काइन, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में आपको क्या दिखाया हुआ है, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन में फर्स्ट आपका हो जाएगा मिथेन, अल्केन में फर्स्ट हो जाएगा मिथेन, फिर अल्किन में आपका फर्स्ट हो जाएगा इथिन, और अल्काइन में आपका फर्स्ट हो जाएगा इथाइन। ओके ऐसे करके आप किसी का भी बना सकते हो। याद रखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, यहाँ पे अल्किन अल्काइन, अल्केन का कॉमन फार्मूला ये, अल्किन का ये, अल्काइन का ये, यहाँ पे पहले मीथेन आएगा, यहाँ पे फर्स्ट इथिन आएगा और यहाँ पे इथाइन। तो इनका हमने स्ट्रक्चर, हमने दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ये हमने यहाँ पे हम कंप्लीट कर दिया, हमने देख लिया।